हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्यकांत महांती आप लोग को फिर से स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल सेफ्टी नॉलेज में। और आज हम लोग एक स्मार्ट मतलब छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसके ऊपर बात करेंगे कि एक्चुअली कौन सा यूनिट को फैक्ट्री आग के अंदर कंसिडर किया जाता है, यानी कौन सा प्रोसेस प्लांट को कैसे हम लोग को फैक्ट्री आग के अंदर कंसिडर किया जाता है, तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जो मेरा चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर एक्टिव कीजिएगा, क्योंकि फर्दर जो मैं एचएससी रिलेटेड वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं वो आसानी से आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए अभी देरी ना करते हुए सीधा चलते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर। तो फैक्ट्री एक्ट में ये क्लियर मेंशन हुआ है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कहीं पे कुछ प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है या प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो ऐसा कोई प्रोसेस यूनिट अगर चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूनिट, तो उसमें अगर 10 वर्कर और विथ इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर लेते हुए, यानी पावर से परिचालित कोई इक्विपमेंट से और 10 वर्कर काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री में, तो उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं फैक्ट्री एक्ट के अंदर। और अगर कोई भी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री है उसमें विद्युत नहीं गया है, यानी पावर सप्लाई नहीं है, और जैसे कि कोई विद्युत चालित इक्विपमेंट भी नहीं है, पावर सप्लाई का ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे अगर 20 वर्कर काम करते हैं, अगर 20 से नीचे काम करते हैं तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे फैक्ट्री एक्ट में। अगर 20 वर्कर या 20 से ज़्यादा वर्कर उसमें काम करते हैं तो उसको भी हम लोग को फैक्ट्री एक्ट के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है इससे आपका कौन सा प्लांट फैक्ट्री एक्ट में आएगा आप सिंपली आपको पता चल जाएगा। तो इससे मैं इस वीडियो को इसीलिए बनाया कि आप जो प्लांट में काम कर रहे हैं उसके लिए फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल है या फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, इससे भी आपको आसानी से यहाँ से पता चल जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और आगे आप लोग देखिए सेफ्टी नॉलेज चैनल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरा चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार।